दोस्तों देखिए, फोर यू पे वीडियो को भेजने के लिए आपको दो तीन काम करना होगा। तीन सेकंड जो होता है ना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई आपके वीडियोज पे 3 सेकंड तक रुक जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपका वीडियो फोर यू पे क्यों नहीं जाता है, यानी कि जब आपका वीडियो फोर यू पे जाएगा तभी टिकी ऐप पे आपका वीडियो वायरल होगा। आखिर फोर यू पे वीडियोज कैसे जाता है और किस तरीके से फोर यू पे अपने वीडियोज को भेजा जाता है, वो कौन कौन सा कारण है और कौन कौन सा वो गलती है जिस गलती को करने के बाद आपका वीडियो फोर यू पे नहीं जाता है और 50, 100, 200, 250 व्यूज के अंदर ही रुक जाता है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही टिकी से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त श्याम सजना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों देखिए, पिछले 10 दिन से मेरा वीडियो जो नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा घर टूट गया है। आप देख सकते हैं पीछे बसवाड़ी के पास आके मैं वीडियो बना रहा हूँ, 10 दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एक अनहोनी भी हो गया, मेरा भतीजा का पैर टूट गया ट्रैक्टर के ट्रॉली से दबा के, तो वो भी एक दुखद घटना है। फिर भी मैं 10 दिन रेगुलर अपने चैनल पर नहीं था, तो हमें लगा कि नहीं वीडियो डालना चाहिए, तो हम वीडियो डालने के लिए आ चुके हैं। तो देखिए, जगह नहीं था तो हम पीछे बांसवाड़ी के पास एक खेत में एक छोटे सा बच्चा को मोबाइल पकड़ा के वीडियो बना रहे हैं। तो देखते जाइए और सुनते जाइए ध्यान से। दोस्तों देखिए, फोर यू पे वीडियो को भेजने के लिए आपको दो तीन काम करना होगा। वो कौन सा काम करना होगा आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों देखिए, फोर यू पे हमारा वीडियो तब जाता है जब वीडियो को हम पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद अगर वो वीडियो को इम्प्रेशन के तौर पर, जैसे YouTube पे इम्प्रेशन YouTube भेजता है, उसी प्रकार टिकी भी इम्प्रेशन भेजता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 5 लोगों के पास टिकी अगर भेजता है उस वीडियो को, तो आपका उस वीडियो में 3 सेकंड जो होता है ना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई आपके वीडियोज पे 3 सेकंड तक रुक जाता है तो और आगे उसको टिकी भेजता है और फोर यू पे वो वीडियो आपका रैंक कर जाता है। लेकिन कोई आदमी, जैसे मान लीजिए स्क्रोल कर रहे हैं, उस बीच में आपका वीडियो जा गया, हमको लगा कि नहीं वीडियो अच्छा है, हम 3 सेकंड तक रुक गए, तो हमारा वीडियो ऑटोमेटिक है कि अगला बार वो वीडियो फोर यू पे जाएगा। लेकिन जैसे ही हमको लगा कि ना वीडियो में कोई दम नहीं है, 1 सेकंड देखे और भगा दिए, फिर 1 सेकंड देखे भगा दिए, तो ऐसे करते जाएंगे तो धीरे धीरे उसका ग्रोथ रेट गिर जाएगा और फोर यू से वीडियो हट जाएगा। उस कभी कभी आप देखते होंगे कि आपका कोई वीडियो होगा जो अचानक से उसका व्यू 1000-1500 हो जाता होगा, उसके बाद रुक जाता होगा। तो वही कारण है, जैसे जैसे लोग देखना बंद कर देते हैं वैसे वैसे वीडियोज का लेंथ जो होता है गिर जाता है और वीडियोज पर व्यू आना बंद हो जाता है। लेकिन अगर कोई वीडियो आप देखिएगा जिस पर 50,000-1,00,000 व्यू होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसका स्टार्टिंग का जो 3 सेकंड होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो वो 3 सेकंड में क्या होता है कि वो इतना बढ़िया क्वालिटी उस वीडियो के अंदर रहता है 3 सेकंड में, कि कोई भी वॉच करता है तो उसको लगता है कि 3 सेकंड तक वो रुक गया। और 3 सेकंड तक जब वो रुक गया और उसको अच्छा लगा, तो वो वीडियो का आपको पूरा वॉच करेगा। अब पूरा वॉच करने के बाद अगर उसको ज़्यादा अच्छा लगे तो दोबारा फिर वो वीडियो को देखेगा। इससे क्या होगा कि अगर 15 सेकंड का वीडियो है तो वो 30 सेकंड तक वॉच करेगा। 30 सेकंड तक वॉच करेगा तो आपका वीडियो 100% नहीं, 1000% आपका भाई गारंटी देता है कि आपका वीडियो ऑटोमेटिक ही फॉर यू पेज पे चला जाएगा। यही कारण है। तो दोस्तों देखिए, अब हम आपको एक टेक्निक देते हैं कि वो कौन सा टेक्निक है जिस टेक्निक से आप अपने वीडियो को फॉर यू पे भेज सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर आप एक वेरीफाई यूजर हैं तो आप कभी भी वीडियो को अपना डालना है आपको, तो 720p में काइनमास्टर से 720p में आपको एक्सपोर्ट करना है, उसके बाद अपलोड कर देना है। अगर आपका आपको अगर वाइट टिक मिल गया है तो 1080p से कम क्वालिटी में आपको वीडियो को अपलोड नहीं करना है, नहीं तो आपका वीडियो फॉर यू पेज पर नहीं जाएगा, ठीक है। और एक कारण और बताता हूँ, अगर कॉमेडी कर रहे हो या डांस कर रहे हो या शायरी स्टेटस वाली, तो स्टार्टिंग के 3 सेकंड में ऐसा कुछ कंटेंट आप कर दो ताकि लोग के लगे सस्पेंस क्रिएट कर दो, कि लोग के लगे कि आखिर क्या होने वाला है, ऐसा आप सस्पेंस क्रिएट कर दो ताकि आपके वीडियो पर रोके। यानी कि दोस्तों मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अगर आप स्टार्टिंग में ही ऐसा कॉन्सेप्ट बना के चलते हो तो आपका वीडियो को लोग पूरा वॉच करेंगे और दोबारा देखेंगे, तो आपका वीडियो ऑटोमेटिक वायरल होगा। आपको विश्वास नहीं है, मेरा ही वीडियो देख लीजिए।
दोस्तों आप देख सकते हैं इस पर 8 लाख के आसपास वीडियोस पे व्यू होने जा रहा है। अभी इसका रोज प्रत्येक दिन की बात की जाए तो 1000 व्यू प्रत्येक दिन इस वीडियो पर बढ़ते रहता है। क्यों बढ़ते रहता है? क्योंकि हमने इस वीडियो में सस्पेंस क्रिएट किया है, मैं नहीं पढ़ूंगा, सस्पेंस क्रिएट हो गया और इस पर वीडियोज पे व्यू इसी कारण आया। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपका डांस का हो या कॉमेडी का हो या कोई भी चैनल हो, आपको सस्पेंस क्रिएट करना है और वीडियो को अपलोड कर देना है। आप कभी भी एक बात ध्यान में रखिएगा, जो मैं क्वालिटी बताया हूँ 1080 और 720 वेरीफाई पे 720, और अगर आपको वाइट मिल गया है तो 1080, ग्रेटिंग मिला है तो भी 1080 से कम क्वालिटी में नहीं डालिएगा। अगर आपको ग्रेटिंग मिल गया है तो कैमरा से वीडियो बनाते हैं तो और बेटर है, नहीं है तो 1080 से कम में आपको वीडियो को एक्सपोर्ट नहीं करना है अपने कैमरे से भी, ठीक है। कैमरा जैसे ही ओपन कीजिएगा 1080 720 लिखा हुआ सेटिंग आता है, उस पर क्लिक करके 1020 में ही आपको वीडियोज को रिकॉर्ड करना है। उससे आपके वीडियो में क्या होगा, ना आपका वीडियो अनक्वालिफाइड होगा, ना आपका वीडियो पे वोलिएशन कॉन्टेंट आएगा। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम वीडियो कोई डालते हैं उसमें एडल्ट कंटेंट रहता है, जैसे मेरा ही वीडियो था 50,000 प्लस 51,000 जैसे ही मेरे वीडियो पे व्यू हुआ, मैं छका हूँ टाइटल था उसका और उसका क्वालिटी मतलब उतना सही नहीं था। मैं 1080 में उसको एक्सपोर्ट कर दिया था लेकिन यूट्यूब से मैं डाउनलोड किया था, मेरा ही वो कॉन्टेंट था, मैं यूट्यूब से डाउनलोड करके अपलोड किया था। तो जैसे ही 51,000 हुआ उसके बाद अंडर रिव्यू में उसको भेज दिया। जब अंडर रिव्यू में भेज देगा आपका टिकी वीडियो को तो उसके बाद आपके वीडियो पे व्यू आना बंद हो जाएगा, जब तक अंडर रिव्यू करेगा तब तक। अंडर रिव्यू के बाद अगर आपके वीडियोज पे अप्रूवल लिख देगा तो फिर धीरे धीरे उसका व्यू स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर अप्रूवल नहीं किया, अनक्वालिफाइड कर दिया तो एक भी वीडियोज पे आपके व्यू नहीं आएंगे, वो वीडियो को आपको डिलीट करना होगा। नहीं डिलीट कीजिएगा तो उसके आपके चैनल पे असर पड़ेगा। तो दोस्तों इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है, इन सभी बातों को ही आप ध्यान में रख के आगे बढ़ सकते हैं। आज जितने भी टिकी से रिलेटेड वीडियो बहुत लोग बनाते हैं, बताते हैं तरीका उतर का, तो कोई भी तरीका से पहले एक बार जान जाइए, आपको इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी बात यह है कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए और स्टार्टिंग में ऐसा 2-3 सेकंड आप कर दीजिएगा ताकि लोग आपके वीडियोज़ पर रुके, तभी आपका वीडियो वायरल होगा। अगर कोई ट्रिक देता है तो फेंक देता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाते जाते मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही टिकी से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहता है। तो ज़्यादा क्या बोलूँ, जय हिंद, लव यू।